हेलो सामकम स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 है। और चैप्टर नंबर 11 में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूजेस है। ठीक है, अब आपके पे यहाँ पे अब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। आपको अगर याद हो, जब हमने चैप्टर शुरू किया था उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ऑयल टैंकर्स में जो है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही असल में सम हाउ होता है, लेकिन वो फ़ायदा तो नहीं नुकसान है। इसी तरह फोटोकॉपियर हो गए, और आपके पास यहाँ पे स्मोक के आपके पास प्रेसिपिटेटर्स होते हैं जो स्मोक में से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। इसी तरह फोटोकॉपियर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर्स, ये सारे असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपके पास अब एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं वो है फोटोकॉपियर। अब फोटोकॉपियर जो है ना, ये असल में थोड़ी सी ज़रा टफ है समझने के लिहाज से, एप्लीकेशन थोड़ी सी टफ है ज़रा। ठीक है, लेकिन अगर आप नेट पे जाके सर्च करो ना कि टॉप 10 आपके पे आप इन्वेंशंस जो अभी तक हिस्ट्री में हुई हैं, उसमें फोटोकॉपियर भी 7th या 8th नंबर पे आती है। तो फोटोकॉपियर एक बहुत बड़ी एक इन्वेंशन है जिसकी मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत आसानी से फोटोकॉपी करा सकते हो, जिसको हम फोटोस्टेट कॉमन अल्फाज में बोल रहे होते हैं। अब सबसे पहले फोटोकॉपियर जिस एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट की वो थे चेस्टर कार्लसन, और ये 1930s या 40s में इन्होंने ये इस डिवाइस को बनाया, फोटोकॉपियर को। अच्छा, अब फोटोकॉपियर एक टेक्निक पे काम करती है जिसको हम कहते हैं आपके पास ज़ेरोग्राफी। ठीक है, अब ज़ेरोग्राफी अगर आप देखो ना, तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है ज़ेरोस और दूसरा है ग्राफी। अब ज़ेरोस का अगर आप जाके वर्ड देखो तो ये इसका मतलब होता है ड्राई, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ज़ेरोस, तो ज़ेरोस का मतलब है ड्राई और ग्राफी का मतलब है प्रिंटिंग। तो फोटोकॉपियर जो असल में जिस टेक्निक पे काम करती है उसको कहते हैं ड्राई प्रिंटिंग। अब ड्राई प्रिंटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोटोकॉपियर की मशीन में इंक नहीं होती। अब इंकजेट प्रिंटर्स भी होते हैं जिनमें इंक होती है, फोटोकॉपियर में इंक नहीं होती। इसमें खास तरह की चीज़ होती है जिसको हम नाम देते हैं टोनर। ठीक है, तो इसमें टोनर होता है, और टोनर इंक नहीं होती, टोनर असल में एक पाउडर होता है, ब्लैक पाउडर होता है, तो इसलिए इसको ड्राई प्रिंटिंग कहते हैं। इसलिए फोटोकॉपियर में से जो पेज प्रिंट फोटोकॉपी होके आ रहे होते हैं उनमें कोई इंक वाला चक्कर नहीं होता कि इंक को भी सूखने दें या ऐसी चीज़, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पाउडर है, इसको हम टोनर नाम देते हैं, इसको ड्राई प्रिंटिंग भी कहते हैं। या कुछ एक जगहों पे बाहर के मुल्कों में फोटोकॉपियर को ज़ेरोक्स मशीन भी कहते हैं। तो ज़ेरोक्स मशीन का मतलब ऐसी मशीन जो कि ड्राई प्रिंटिंग कर रही हो। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले फोटोकॉपियर की डेफिनेशन तो नहीं, फोटोकॉपियर के डिवाइस की एक डिस्क्रिप्शन जो कि आप लोगों को भी पता है। फोटोकॉपियर एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है कॉपी कर सकती है दो तरीकों से, एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी से, एक क्विकली, और एक आपके पास बहुत आपके पास आसानी से। अब देखो, फोटोकॉपियर की मशीन ऐसी है जो कि कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है, कोई भी बंदा मैक्सिमम 20-25 मिनट में किसी से आपके पास समझ के तो उस फोटोकॉपियर की मशीन को यूज़ कर सकता है। अब इंटरफेस उसका बहुत आसान होता है, इसलिए फोटोकॉपियर एक ऐसी मशीन है डेट मेक्स क्विकली एंड वेरी आपके पास यहाँ पे इजीली कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे में फोटोकॉपियर मशीन की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इसकी इसको समझना आसान है कि ये वर्क किस तरह कर रही है, इंटरफेस इजी है। लेकिन अगर आप फोटोकॉपियर मशीन के अंदर की बात करो ना आप, तो फोटोकॉपियर की जो जो वर्किंग है कि फोटोकॉपियर मशीन किस तरह डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर रही है, तो वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोटोकॉपियर की कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैं पार्ट्स का जिक्र करूंगा कि फोटोकॉपियर के अंदर कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं। वैसे तो बेशुमार पार्ट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मेजर पार्ट्स का डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं आपके पास यहाँ पे कोरोट्रॉन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको कोरोट्रॉन कहते हैं, और इस इलेक्ट्रोड का काम ये होता है कि चार्जेस प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसका बहुत हाई पोटेंशियल होता है, अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे आपके। उसके बाद जिस तरह आप कहते हो कि एक कंप्यूटर का जो हर्ट होता है वो सीपीयू होता है, इसी तरह फोटोकॉपियर मशीन का जो हर्ट है वो एक ड्रम है, और वो ड्रम के बहुत कोई बहुत अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। तो वो ड्रम जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अब आपके यहाँ पे अब एलुमिनियम यूज़ कर रहे हैं। एलुमिनियम जो है वो वेरी गुड कंडक्टर या एक्सीलेंट कंडक्टर है, और कंडक्टर का मतलब इसमें एक्सेस चार्जेस होंगे, इसमें आके पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रीली या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, इस अब एल्यूमिनियम ड्रम को अब ओपीसी ड्रम भी कहते हैं। ओपीसी क्या है, ओ स्टैंड कर रहा है आपके पास अब ऑर्गेनिक, और पीसी स्टैंड कर रहा है फोटो कंडक्टर। तो इसका मेजॉरिटी जगहों पर या जो
जो इसका एक प्रोफेशनल नेम यूज़ होता है इस ड्रम का, वो ओपीसी ड्रम है, अब ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टर ड्रम, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट है जो कि मेन हर्ट है इस फोटो कॉपियर मशीन का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सेलेनियम। अब सेलेनियम एक आपके पास यहाँ पे मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी है कि सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब फोटो कंडक्टर्स क्या होते हैं? फोटो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि कंडक्टर भी बिहेव करते हैं और नॉन कंडक्टर भी बिहेव करते हैं, जो कि मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब सेलेनियम अगर आप देखो तो सेलेनियम जो है इसका कंडक्टर बनना या नॉन कंडक्टर या अब इंसुलेटर बनना किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड करता है लाइट पे। अगर आप सेलेनियम के ऊपर लाइट फॉल कराओ तो सेलेनियम क्या बिहेव करेगा? कंडक्टर। और सेलेनियम के ऊपर अगर आप लाइट फॉल ना कराओ, मतलब अगर सेलेनियम डार्क में है, तो वो क्या बिहेव करेगा? इंसुलेटर, ठीक है। अब ये ऐसी बिहेवियर क्यों शो करता है, इसको समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 17 मेरे ख्याल से, इसमें हम यहाँ पे एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ेंगे। अब एनर्जी बैंड थ्योरी आपको समझ आनी चाहिए इसके इस बिहेवियर को समझने के लिए। उस थ्योरी में ये कंसेप्ट होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आपके पास चले जाते हैं जब उनको हम कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ये लाइट भी जो है असल में सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जब सेलेनियम के ऊपर लाइट फॉल करती है तो ये कंडक्टर बिहेव करता है, और जब लाइट फॉल नहीं कर रही तो ये इंसुलेटर बिहेव करता है। अब कंडक्टर की जो डेफिनेशन होती है ना, हम तो ये कहते हैं कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास कर जाए, जिनमें से हीट पास कर जाए। कंडक्टर को एक और तरीके से भी देते हैं, कंडक्टर जब कोई चीज़ बिहेव करती है तो वो चार्जेस को पास होने देती है, लेकिन जब कोई चीज़ इंसुलेटर बिहेव कर रही होती है तो वो अपने बीच में से चार्जेस को पास होने नहीं देती। तो ये आपने एक कंसेप्ट याद रखना है कंडक्टर और इंसुलेटर का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इसकी कंस्ट्रक्शन में, वो है आपके पास हीटेड रोलर्स। अब हीटेड रोलर्स क्या होते हैं? दो रोलर्स होंगे इस तरह के दो एक रोलर्स होंगे, और ये हीटेड रोलर्स होते हैं, मतलब ये काफ़ी गर्म हुए हुए होते हैं, ठीक है। और ये गर्म किस तरह हुए हुए होते हैं? इन हीटेड रोलर्स के अंदर टंगस्टन रखा हुआ होता है, और वो टंगस्टन असल में गर्म हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये रोलर्स भी गर्म हो रहे होते हैं। इनका काम क्या है वो भी इसकी वर्किंग में देखेंगे भी, लेकिन बेसिक समझ इसका ये होता है, इसमें से जब हमारे पास फोटोकॉपियर की मशीन में से जब पेज बाहर आता है ना, तो वो इन हीटेड रोलर्स में से गुजर के आता है। तभी अगर आप देखो फोटोकॉपियर जब मशीन काम कर रही होती है, जो पेज प्रिंट होके फोटोकॉपी होके बाहर आ रहे होते हैं, वो काफ़ी गर्म हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हीटेड रोलर्स हैं, इनकी भी हम वर्किंग देखेंगे डिटेल में। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है लेंस एंड मिरर्स। अब फोटोकॉपियर में बेशुमार मिरर्स और लेंस होते हैं जिनके अपने अपने फ़ायदे हैं, ठीक है, वो भी हम इसकी वर्किंग में देखेंगे। अब सबसे पहले मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन में आप डायग्राम ये बना सकते हो कि ये जो मैंने ड्रम बनाया, ये अब एल्यूमिनियम ड्रम है, और मैंने कहा एल्यूमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर है, मतलब एल्यूमिनियम में बेशुमार मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इस एल्यूमिनियम ड्रम, अब ड्रम बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह आपके पास घर में वाटर टैंक होता है छतों पे, तो बिल्कुल उस तरह की ये शेप का ड्रम होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो मैंने कोटिंग की हुई, अब देखो ये समझ लो ये एल्यूमिनियम ड्रम है, ठीक है, उस बेशक डायमेंशंस छोटी हैं लेकिन साइज ऐसा ही होता है एल्यूमिनियम ड्रम का। इस पूरे एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर मैंने कोटिंग की हुई है किसकी? सेलेनियम की। तो सेलेनियम को मैंने यहाँ पर रेड से शो किया, ठीक है। तो ये रेड से जो ये पूरे ड्रम के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग हुई हुई है, और सेंटर में जो है एल्यूमिनियम ड्रम है, ठीक है। तो ये सारा आप इसकी लिखोगे कंस्ट्रक्शन में कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस तरह उनकी एक अरेंजमेंट हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद है इसकी वर्किंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग इसकी। अब इसकी वर्किंग जो है वो बुक में एक्सप्लेन की गई है, लेकिन बुक में उसने ऐसे आपको मेन अब हेडिंग्स नहीं बताई हुई। तो इसकी जो वर्किंग में जो मेजर स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है चार्जिंग, फिर आपके पास है आपके यहाँ पे एक्सपोजर, फिर डेवलपिंग, ट्रांसफ़र और फ्यूजन, ठीक है। एक चीज़ याद रखो कि वर्किंग में जो स्टेप्स होते हैं ना, उनका सीक्वेंस में होना लाजमी होता है, मतलब आप चार्जिंग के बाद डेवलपिंग डिस्कस नहीं कर सकते। तो इनको याद रखने की जो मैं आपको टेक्निक जो हम खुद भी अपने ज़माने में अडॉप्ट करते थे, वो ये अडॉप्ट करते थे कि इन सब वर्ड्स का पहला आप अल्फ़ाबेट देख लो। जिस तरह चार्जिंग का पहला अल्फ़ाबेट सी है, एक्सपोजर का ई है, डेवलपिंग का डी, टी एफ, ट्रांसफ़र का टी और फ्यूजन का एफ। तो आप बस ये याद रख लो सेट एफ। अब आपको अगर ये वर्ड याद होगा तो सी से चार्जिंग, ई से आके यहाँ पे एक्सपोजर, डी से डेवलपिंग, टी से ट्रांसफ़र और एफ से फ्यूजन। इनका सीक्वेंस में होना बहुत लाजमी होता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बारी बारी हम इन स्टेप्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और आपकी बुक में भी जो पॉइंट्स बने हुए ना बुलेट्स की फॉर्म में, वो असल में ये स्टेप्स ही हैं। पहला जो बुलेट बना हुआ है वो चार्जिंग है, सेकंड अप टू सो ऑन।
अब सबसे पहले देखो, अगर आप खुद कॉमन ऑब्जर्वेशन, अगर आप कभी फोटो स्टेट की शॉप पे गए हो, तो जिस पेज को आपने फोटो कॉपी कराना होता है वो आप जाके शॉपकीपर को देते हो, शॉपकीपर उसको जाके ग्लास के ऊपर रखता है, ठीक है, और जैसे ही आप वो ग्लास के ऊपर रखता है और वो बटन प्रेस करता है तो आपको एकदम से लाइट नजर आती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने जिस डॉक्यूमेंट को कॉपी कराना है वो डॉक्यूमेंट आपको उस फोटोकॉपी मशीन के ऊपर रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही बता रहे हैं कि फर्स्टली आपके पास यहाँ पे अब वो पेपर विच इज टू बी कॉपीड इज लेड ऑन द ग्लास प्लेट। तो फोटोकॉपीर के ऊपर जिस तरह ये ग्लास प्लेट अगर मैं बनाऊं, ये मैंने कहा ये ग्लास प्लेट है, तो इस ग्लास प्लेट के ऊपर मुझे ये डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। ये मैंने डॉक्यूमेंट रख दिया और ये वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट को मुझे कॉपी कराना है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला इसके स्टेप पे, जो कि सबसे पहला स्टेप है चार्जिंग, ठीक है। अब चार्जिंग का क्या मतलब है? देखो, चार्जिंग का मतलब है किसी चीज को चार्जेस प्रोवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम जो चार्जेस प्रोवाइड करते हैं ना, ये हम असल में एल्यूमिनियम ड्रम को चार्जेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन असल में देखो, मैंने ये कहा कि एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर जो है वो कोटिंग हुई हुई है सेलेनियम की। तो असल में एल्यूमिनियम ड्रम को चार्जेस प्रोवाइड करने का मतलब है कि असल में मैं उस सेलेनियम के लेयर, जो एल्यूमिनियम के ऊपर जो लेयर है सेलेनियम की, उसको चार्जेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज माइंड में रखो, अभी हमारे पास पूरा सिस्टम डार्क में, अंधेरे में, अगर पूरा सिस्टम अगर अभी अंधेरे में है तो सेलेनियम जो है वो क्या बिहेव कर रहा होगा आपके यहाँ पे, अब आपके यहाँ पे नॉन कंडक्टर, अब इंसुलेटर, तो सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर बिहेव कर रहा होगा, तो वो क्या होगा? अब आप इस डायग्राम में जरा देखो, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो एक गोल सा बनाया हुआ है, ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है आपके पास, एल्यूमिनियम सिलेंडर है। और ये अगर आप एक चीज नोटिस करो, जो इधर ये डायग्राम में इस तरह शो हुआ हुआ है, ये असल में कोरोना वायर है, ठीक है। अब ये जो कोरोना है, ये वो वायरस वाला कोरोना नहीं, ये जो कोरोट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड जो है, ये जो कोरोना वायर है, ये एक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड होती है जिसको हम कोरोट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और वो कोरोट्रॉन असल में इसको चार्जेस प्रोवाइड कर रहा होता है इस वायर को कोरोना वायर कहते हैं। और ये कोरोना वायर कॉन्टिन्यूसली इस ड्रम के साथ कॉन्टेक्ट में है और ये ड्रम कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो कोरोना वायर है ये असल में इस ड्रम को पॉजिटिव चार्जेस दे रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे ड्रम रोटेट करेगा, ये ड्रम क्या होना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और थोड़े ही कुछ टाइम के बाद, कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर, ये पूरे का पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। और ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आने का मतलब है कि सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर आप इसकी डायग्राम इस लिहाज से भी बनाओ, अगर मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाऊं, तो ये एल्यूमिनियम ड्रम था, उसके ऊपर हमने ये सेलेनियम की कोटिंग की हुई है, ठीक है, और ये सारा जो रेड है ये सेलेनियम है। और मैंने क्या किया, मैंने ऊपर एक कोरोना वायर लगा के इसको चार्जेस प्रोवाइड कर दिए, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए। और एक और चीज, अब देखो, अब सेंटर में एल्यूमिनियम ड्रम है, एल्यूमिनियम ड्रम के पास नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्यों नहीं कंबाइन हो पा रहे? क्योंकि अभी जो हमने ये पूरा सिस्टम जो है डार्क में रखा हुआ है, और डार्क में रखने का मतलब है कि ये जो सेलेनियम है अब इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, और इंसुलेटर जब सेलेनियम बिहेव कर रहा हो तो वो पॉजिटिव और वो कोई भी चार्जेस को अपने बीच में से पास होने नहीं देगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कंबाइन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छी तरह समझना है। अब इसी चीज की मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है नीचे कि फर्स्ट एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड आपके पास कोरोट्रॉन गिव्स द चार्ज ऑफ अराउंड 600 वोल्ट। तो ये जो कोरोट्रॉन है ना आपके पास इलेक्ट्रोड, ये इस पूरे ड्रम को तकरीबन 600 वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड कर देता है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस of the positive charges of around 600 volt which is uniformly distributed over the entire selenium by corona discharge। और ये जो process होता है ना कि ये जो corotron है ये कुछ milliseconds के अंदर उस पूरे drum को positive charge कर दे, इस चीज़ को कहते हैं corona discharge। और ये corona discharge कुछ milliseconds में हो जाता है, फ़ौरन से ये जो corona, जो corotron और corona wire मिल के पूरे उस aluminium drum को जो है, मतलब selenium को uniformly positive charge provide कर देते हैं। और लास्ट में ये लिखा हुआ है कि इन द डार्क, डार्क का होना भी लाजमी है क्या, ताकि चार्जेस कंबाइन ना हो। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फोटोकॉपियर, और उसमें हमने फर्स्ट जो पॉइंट उसकी वर्किंग में डिस्कस कर लिया था, दो के आपके पास था चार्जिंग, ठीक है। और चार्जिंग में हमने यही देखा था कि हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम ड्रम था, और एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर जो है वो सेलेनियम की कोटिंग हुई हुई थी, और उसको हमने कोरोट्रॉन जो कि एक इलेक्ट्रोड है
जो कि किसी भी चीज़ को चार्ज प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है. तो विद द हेल्प ऑफ कोरोट्रॉन हमने उस पॉजिटिव, हमने उस पूरे सेलेनियम को हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया था, मतलब एल्यूमिनियम ड्रम को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया था. और मैंने आपको बताया वो जिस वायर से हम करते हैं उसको कोरोना वायर कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है कि उस ड्रम को जो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना उसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्किंग में था वो आपके पास था अब एक्सपोजर. अब एक्सपोजर क्या चीज़ है? एक्सपोजर वही है देखो जिस तरह आप फोटोकॉपियर में देखते हो कि एकदम से लाइट आती है आपके पास, जैसे आप डॉक्यूमेंट को उस ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हो तो एकदम से आपको एक लाइट सी नज़र आती है. ठीक है, अब वो जो लाइट यूज़ होती है ना वो हेलोजन लैम्प होता है. ठीक है, हेलोजन लैम्प भी यूज़ होता है या ज़ियोन लाइट भी यूज़ होती है, क्योंकि ज़ियोन लाइट एक इंस्टेंट बहुत शार्प लाइट प्रोवाइड करती है, लेकिन ज़्यादातर जो डिस्कस करते हैं वो हेलोजन लैम्प होता है. ठीक है, तो वो असल में आपके पास यहाँ पे हेलोजन लैम्प होता है, जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हो तो आपको एकदम से लाइट नज़र आती है, तो वो हेलोजन लैम्प ऑन होता है वहाँ पे. ठीक है, अब असल में होता क्या है, देखो आप इसको इस तरह समझो कि ये मैंने कहा ये मेरे पास ग्लास प्लेट है जो कि है नीचे रखी फोटोकॉपी मशीन में है, ये मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने इसके ऊपर रख दिया. ठीक है, अब आपने बटन प्रेस किया, जब आप बटन प्रेस करते हो ना तो आपको एकदम से नीचे से लाइट नज़र आती है. ठीक है, अब वो होता क्या है, नीचे से जो लाइट है और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, फिर आप ऊपर से बॉडी को बंद करते हो, उस बॉडी को जब बंद करते हो ना उसमें होता है आपके पास यहाँ पे मिरर होता है. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग मिरर, जैसे ही आप नीचे से लाइट आती है ना वो लाइट डॉक्यूमेंट में से पास होती है, ऊपर वाले एक मिरर में से रिफ्लेक्ट बैक होकर नीचे आ जाती है फोटोकॉपियर की मशीन में. ठीक है, तो यही है कि फोटोकॉपियर की जो मशीन है उसमें काफ़ी लेंस और मिरर्स हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं. तो सबसे पहले मैंने यही कहा कि सीरीज ऑफ लेंस एंड मिरर्स फोकस एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द रिवॉल्विंग ड्रम. ये ड्रम जो है ना ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है आपके पास, और ये लेंसेज और मिरर्स के एक एक जो इसका काम है वो उस इमेज को फोकस करना. फोकस मतलब ताकि उस ड्रम के ऊपर जो डॉक्यूमेंट आप फोटो कॉपी कराना चाह रहे हो उस डॉक्यूमेंट की इमेज शार्प इमेज आए, ब्लर ना हो, तो उसका जो काम है ये फोकस कराना काम है. और मैंने आपको बताया कि वो लाइट डॉक्यूमेंट में से पास होती है, ऊपर वाले मिरर में से रिफ्लेक्ट बैक होके नीचे ड्रम पे फॉल करती है. ठीक है, आप चाहो तो इसको आप इस तरह की इमेज बना भी सकते हो कि ये लाइट फॉल हुई, ये वो डॉक्यूमेंट था जिस डॉक्यूमेंट को आपने प्रिंट कराना है, फोटोकॉपी कराना है, और ऊपर एक मिरर है, तो ये लाइट जो है ये डॉक्यूमेंट में से पास हुई, इस मिरर पे गई और मिरर में रिफ्लेक्ट होके ये ड्रम के ऊपर आ जाती है. तो इस तरीके से मिरर यहाँ पे काम कर रहा है. ठीक है, अब असल में मिरर और लेंस जो हैं इनका एक और फायदा भी है, अब लेंस का एक और फायदा भी है. अब वो देखने के लिए आप भी देखो ये नीचे डायग्राम मैंने इधर शो कराई हुई है, ये मेरे पास ड्रम है इधर. ठीक है, ये मेरे पास ड्रम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ड्रम है और उसके ऊपर सिलीनियम की आपके पास कोटिंग हुई हुई है, और ये वो इमेज है जिसको मैंने फोटो कॉपी कराना है, और इस इमेज के ऊपर 3 लिखा हुआ है. ठीक है, और बीच में मैंने ये लेंस रखा हुआ है. ठीक है, अब असल में होता क्या है, जब लाइट फॉल, अब ये ऊपर से लाइट फॉल कर रही है समझो, तो जब वो लाइट पास करेगी तो ये बीच में लेंस है. अब ये इस लेंस की पोजीशन बहुत मैटर करती है. आप देखो, आप फोटो कॉपियर वाले को जाके अगर आप कहो ना, आप उसको अगर छोटा डॉक्यूमेंट दो और आप कहो कि इसका डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा करके दे दें, तो फोटो कॉपियर आपको वो भी करके दे देता है. या अगर आप फोटो कॉपियर को कहो मुझे इस डॉक्यूमेंट का साइज छोटा करके दे दें, तो वो भी आपको उसको छोटे साइज में भी प्रिंट करके दे देता है. तो असल में वो किस साइज को मैग्नीफाई करना है या आपने डॉक्यूमेंट को रिड्यूस करना है, वो इस लेंस की पोजीशन डिटरमाइन करती है. और लेंस की पोजीशन किस तरह, या तो इस इमेज और इस लेंस के दरमियान डिस्टेंस, या इस लेंस और इस ड्रम के दरमियान डिस्टेंस. ठीक है, तो इस लेंस और इस इमेज के दरमियान डिस्टेंस या इस लेंस और ड्रम के दरमियान पोजीशन, ये डिटरमाइन करेगी कि जो डॉक्यूमेंट आपने फोटो कॉपी कराना है उसको मैग्नीफाई करना है या रिड्यूस करना है. तो यही वो पॉइंट यहाँ डिस्कस हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज और लेंस एंड ड्रम क्या आपके पास क्या डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइंस द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड. तो आपने उस डॉक्यूमेंट को रिड्यूस कराना है, मतलब एक डॉक्यूमेंट को आपने छोटे साइज में फोटोकॉपी कराना है, या उसको आपने छोटा डॉक्यूमेंट दे के आप उसको, जिस तरह आप समझ लो शनाख्ती कार्ड की CNIC अगर आप दो और आप उसको ये कहो कि मुझे CNIC पूरे पेज पे चाहिए, तो वो आपको CNIC पूरे पेज पे भी फोटोकॉपी करके दे देता है. तो वो असल में जब आप बटन प्रेस करते हैं ना वो अंदर उसकी सेटिंग्स में, तो उस लेंस की पोजीशन अंदर चेंज होती है, तो उससे आप मैग्नीफाई भी कर सकते हो और उससे आप रिड्यूस भी कर सकते हो. तो ये काम है लेंस का. ठीक है, जो मिरर का काम है ज़्यादातर वो इमेज को फोकसिंग करना है. ठीक है, और उस इमेज को रिफ्लेक्ट बैक करना है. अब
यहाँ से टॉपिक ज़रा अब इम्पॉर्टेंट है कि ये होता किस तरह। देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप एग्जाम्पल लो, जिस तरह मेरे हाथ की एग्जाम्पल लो, ठीक है। अब इस कमरे में लाइट ऑन है और अगर आप मेरा हाथ देखो, अगर मैं हाथ अपना बोर्ड के करीब लेके जाऊँ तो मेरे हाथ का अब इमेज आ रहा है बोर्ड पे, ठीक है। और अगर आप नोटिस करो तो इस बोर्ड पे दो तरह के शेडो, इस बोर्ड पे एक तो मेरे हाथ का ये ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है और ये बीच में, अब मेरे हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे वाइट एरिया आ रहा है, ऐसा ही है ना। अब अगर आप इधर भी देखो तो ये सारा वाइट एरिया है लेकिन इसके नीचे जो है सारा ब्लैक है। क्या मतलब कि अगर आपके पास कोई एक इमेज हो उसके ऊपर अगर आप लाइट फॉल कराओ, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह आप ये एग्जाम्पल इसकी लो, ठीक है। जिस तरह ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट को मैंने फोटो कॉपी कराना है, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में देखो, और ये ब्लैक एंड वाइट है डेफिनेटली, तो अगर आप इस पेज पे देखो तो इस पेज पे दो तरह के पार्ट हैं। एक तो वो इस पेज का पार्ट है जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और एक इस पेज का वो पार्ट है जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ड्रॉ हुई हुई हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस पेज के ऊपर लाइट फॉल कराऊँ, बहुत इंटेंस लाइट फॉल कराऊँ, और इस इमेज का मैं दूसरी साइड, अगर मैं इस इमेज को दूसरी साइड पे देखूं तो होगा क्या, जो ये वाइट पार्ट है ना यहाँ से लाइट पास कर जाएगी, ठीक है, और जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये ब्लैक जो पार्ट है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये लाइट को उधर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो मुझे इस बोर्ड पे, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास टॉर्च है, इस टॉर्च को मैं यहाँ पे ऑन करूँ और मैं इस पिक्चर को बोर्ड पे देखूँ तो होगा क्या, मुझे बोर्ड पे कहाँ कहाँ पे लाइट मिलेगी, जहाँ जहाँ से लाइट पास हो गई, और लाइट कहाँ कहाँ से पास हुई, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और लाइट कहाँ कहाँ पे नहीं मिली, लाइट उन जगहों पे नहीं मिली जहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास प्रिंट हुआ हुआ है या ड्रॉ हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी पॉइंट को फिर एक्सप्लेन किया गया है कि द आपके पास यहाँ पे अब ड्रम का वो हिस्सा विच इज़ नॉट एक्सपोज टू लाइट। अब ड्रम, अब देखो होगा क्या, अब असल में जो हम ये जो डॉक्यूमेंट है ना, देखो इस डॉक्यूमेंट को अगर आप यहाँ पे देखो तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइट आ रही है, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट का जो इमेज है ना वो असल में कहाँ बन रहा होगा, मतलब जो शेडो वाला इमेज बन रहा होगा वो असल में बन रहा होगा इस ड्रम पे, ठीक है। तो इस ड्रम के कुछ कुछ हिस्से पे लाइट आ रही होगी, और किस हिस्से पे लाइट आ रही होगी, जो लाइट इस वाइट वाले पार्ट में से गुजर रही है जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ से लाइट पास हो जाएगी और इस ड्रम पे आ जाएगी, और जहाँ पे ये थ्री लिखा हुआ है ब्लैक में यहाँ भी लाइट फॉल कर रही है, लेकिन ये थ्री जो है जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस डॉक्यूमेंट में कुछ हिस्सों पे लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो द आपके पास यहाँ पे ड्रम का वो हिस्सा विच इज़ नॉट एक्सपोज टू लाइट, और ड्रम का वो हिस्सा लाइट एक्सपोज क्यों नहीं मिल रही उसको, दोज एरियाज डेट कॉरिस्पॉन्ड्स टू ब्लैक पोर्शंस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो असल में ड्रम के जिस हिस्से पे लाइट नहीं मिल रही ना, वो हिस्सा असल में कौन सा कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट का ब्लैक पोर्शन। ब्लैक पोर्शन मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है या कुछ ना कुछ ड्रॉ हुआ है, उसकी वजह से क्योंकि वो पार्ट लाइट को पास नहीं होने दे रहा, तो उस ड्रम पे उस का हिस्से पे लाइट एक्सपोज नहीं हो रही। नेक्स्ट है, अब ड्रम के कुछ हिस्से पे लाइट आ भी रही है, और वो किस वजह से आ रही है, वो लाइट है जो कि पेज के वाइट वाले पार्ट में से गुजर रही है, ठीक है। एंड आपके पास यहाँ पे अब एरिया ऑफ ड्रम नॉट एक्सपोज टू लाइट कॉरिस्पॉन्ड टू पोर्शंस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, ये नॉट नहीं आएगा, एरिया ऑफ ड्रम एक्सपोज टू लाइट, कि अब ड्रम के वो हिस्सा जहाँ पे लाइट उसको मिल रही है वो हिस्सा कौन सा कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट का वाइट वाला पोर्शन जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो असल में मैं अगर आपको ड्रम की इमेज दिखाऊं, टॉप से अगर मैं आपको ड्रम का इमेज दिखाऊं, तो ड्रम के देखो अगर बीच में डॉक्यूमेंट ना हो ना तो इस पूरे ड्रम पे लाइट आए, लेकिन डॉक्यूमेंट रखने की वजह से हुआ क्या, कुछ कुछ जगहों पे लाइट मिली इस ड्रम को और कुछ कुछ जगहों पे लाइट नहीं मिली, ठीक है। अब देखो, असल में इस ड्रम के ऊपर जो कोटिंग है वो किस चीज़ की है, वो है सिलीनियम की, और सिलीनियम मैंने भी आपको बताया कि सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। अब जिधर जिधर उस सिलीनियम को लाइट मिलेगी उधर उधर सिलीनियम कंडक्टर बन जाएगा, और जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं मिलेगी वो इंसुलेटर बिहेव करेगा। तो हमने ये कहा इस ड्रम पे कुछ कुछ जगहों पे लाइट मिल रही है, कुछ कुछ जगहों पे लाइट नहीं मिल रही, तो जिन जगहों पे लाइट नहीं मिल रही तो डार्क एरिया ऑफ द आपके पास यहाँ पे ड्रम, जो ड्रम का डार्क एरिया है वहाँ सिलीनियम क्या बिहेव करेगा, सिलीनियम बिहेव्स एज इंसुलेटर, ठीक है। और इंसुलेटर में देखो होगा क्या, अब जरा इस डायग्राम पे आप आओ, देखो अभी समझ लो ये पूरे का पूरा जो ड्रम है ये डार्क में है, ठीक है।
अभी ये पूरे का पूरा ड्रम डार्क में है, तो देखो सारे के सारे चार्जेस ऊपर रिटेन हुए हैं, चार्जेस